जयपुर में 100 पॉजिटिव केस, कई अन्य क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगाया, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 100 तक पहुंच गई है। अब जयपुर में परकोटा क्षेत्र के अलावा चिन्हित अन्य स्थानों पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस के अनुसार परकोटा क्षेत्र के अलावा भट्टा बस्ती की नूरानी मस्जिद के आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लागू किया है। इसके अलावा घाट गेट की अमृतपुरी कॉलोनी और MD रोड स्थित मर्दाना गली में भी कर्फ्यू लगाया है। गहलोत ने लॉकडाउन को लेकर दिया बड़ा संकेत। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना वायरस की दहशत फैल रही है, उसको लेकर राज्य सरकार चिंता में है। इसी को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने मीडिया के एक सवाल पर कि क्या 14 अप्रैल को लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, इस जवाब में गहलोत ने कहा कि पहले में प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, जिंदगी बचाना जरूरी है, हम खतरा नहीं मोल लेना चाहते। इससे ये साफ जाहिर है कि गहलोत सरकार अभी लॉकडाउन खोलने के मूड में नहीं है। अब बिना किसी योजना में शामिल लोगों को भी मुफ्त खाद्य सामग्री, मुख्यमंत्री की अपील पर जिला प्रशासन ने की तैयारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किसी भी सरकारी योजना में शामिल नहीं हो पाए गरीब और बेसहारा लोगों को भी भोजन सामग्री उपलब्ध कराए जाने की अपील के बाद अजमेर जिला प्रशासन ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शीघ्र ही ऐसे परिवारों को ये सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन्हें लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रशासन स्वयं घर घर जाकर ये सामग्री चिन्हित परिवारों तक पहुँचाएगा। किसानों को मुफ्त में मिलेंगे कटाई जुताई के उपकरण, ऐसे उठाएं फायदा। प्रदेश में पहली बार CSR एक्टिविटी के तहत किसानों को भी मदद मुहैया करवाई जाएगी। लॉकडाउन के चलते बनी परिस्थितियों में कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनियों की ओर से ये निर्णय लिया गया है। फिलहाल कृषि उपकरण बनाने वाली 2 प्रमुख कंपनियां इसके लिए आगे आई हैं। इन कंपनियों ने मुख्य सचिव को इसका प्रस्ताव भेजा है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इस योजना के मुताबिक टेफे और EM3 कंपनियों की ओर से फसल की कटाई, थ्रेशिंग और जुताई आदि में उपयोग किए जाने वाले उपकरण किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी कंपनियों को अपने मुनाफे की 2% राशि सामाजिक कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान है। ये पहली बार है जब कृषि कार्य को भी इसके तहत शामिल किया गया है। लॉकडाउन के चलते किसानों को कृषि कार्य में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब CSR के तहत उपकरण उपलब्ध होने से उनकी मुश्किलें कम होंगी। कोटा में 10 पॉजिटिव केस आने के बाद परकोटा क्षेत्र में लगाया कर्फ्यू। प्रदेश में लगातार तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण के कोटा में 10 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जिला कलेक्टर ओम कसेरा ने कोटा शहर के परकोटा क्षेत्र को 0 मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया और ये घोषित करते हुए कहा कि यहां आगामी 9 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू सोमवार रात 10 बजे से लगाया गया है, ये 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक लागू रहेगा। मां के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए डॉक्टर, वीडियो कॉल पर माफी मांग रो पड़े। कोरोना महामारी के चलते चिकित्सा कर्मी 24 घंटे लड़ रहे हैं। सबका एक ही मकसद है, कोरोना को हराना और मरीजों को ठीक करना। यही वजह है कि राजस्थान के करौली जिले के गांव रानूली निवासी और जयपुर के SMS हॉस्पिटल कोरोना आइसोलेशन के ICU प्रभारी राममूर्ति मीणा अपनी मां के निधन हो जाने पर भी अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, दह संस्कार और शोक में भी शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए मां की अंत्येष्टि के दौरान अंतिम दर्शन किए। उनका ये त्याग सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने इस वक्त कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी नहीं छोड़ सकता हूँ, कोरोना महामारी से हम सभी को एकजुट होकर लड़ना है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर वो अपने गाँव चले जाते तो अन्य लोगों को संक्रमण का खतरा हो सकता था। पेंशन से 78 लाख परिवारों की टेंशन खत्म, गहलोत सरकार ने जमा करवाए 700 करोड़। गहलोत सरकार ने पेंशनधारियों के खाते में 700 करोड़ रुपए जमा करवाकर बड़ी राहत दी है। सही समय पर पेंशन मिलने से लॉकडाउन और कर्फ्यू में घर खर्च की टेंशन कम हो गई। प्रदेश में 78 लाख पेंशनधारियों के खाते में पेंशन की राशि पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने समय रहते हुए लॉकडाउन के बीच सभी पेंशनधारियों के खाते में पेंशन जमा करवाई। इस पेंशन से बुजुर्ग, दिव्यांगजन और विधवा पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिली है।